अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू कोफ्ते की रेसिपी। 3 मीडियम प्याज लेकर मैंने उनको फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से, और फिर 2 से 3 चम्मच यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लेना है। इसको आप लहसुन को पीस लें, और 2 टमाटर मैं लूँगी इसके साथ, और इसको मैं बाद में काट लूँगी। प्याज फ्राई हो गए हैं और उसके अंदर आप डाल दें लहसुन, और लहसुन को अच्छी तरह से आप लहसुन को साथ ही फ्राई कर लें। जब लहसुन अच्छी से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, जिसमें है नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया। यह हस्बे जायका आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, और वरना 1 टीस्पून आप ईच डाल लें। ये टमाटर मैंने काट लिए हैं, 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के जो मैंने आपको दिखाए थे। मसाला भुन गया है तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और इसको टमाटर को हम अच्छी तरीके से गला लेंगे। और मैं थोड़ा सा इसको भून के पानी डालकर इसका प्रेशर को बंद कर दूंगी, कुकर बंद कर दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। और कोफ्ते ही पहले से मैंने बनाकर फ्रीज किए हुए थे, और अब आलू मैं काट लेती हूँ। साथ ही मैंने ये आलू काट लिए। तो कल भी मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन उसमें भी इतने व्यूज़ नहीं आए थे। आज बहुत डिसअपॉइंट थे कि नहीं करती शेयर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ भी आने लग ही जाएंगे। और ये मैंने दही थी जो कि फेंट ली, और इसको भी मैंने मसाले में ऐड कर दिया। कुकर थोड़ा सा छोटा था वो, इसलिए फिर मैंने इसको बड़े कुकर में ऐड कर लिया, ताकि जो है सालन जो है वो सही से बन जाए। क्योंकि हमने आलू भी ऐड करने थे, इसलिए मुझे बड़ा बर्तन चाहिए था, तो मैंने बड़े कुकर में डाल लिया। और यहाँ मैंने चूल्हा जब ऑन करना मैं भूल गई थी, इसमें बहुत सारे 7 सब्ज़ मिर्चें काट ली। और फिर मैंने जब मसाला अच्छे से भुन गया और गल गया, तो मैंने कोफ्ते डाल दिए, और साथ ही आलू भी और सब्ज़ मिर्चें डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो लीजिए, मज़ेदार आलू कोफ्ते तैयार हैं, और इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पीस कर मैंने पहले ही सालन में ऐड कर दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाली मेरी न्यू वीडियोस ही देख सकें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि हमें सब्सक्राइबर भी मिल सकें और हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए हो सके। तो और मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी से लेकर आऊँगी, और व्लॉग्स तो आप देखते ही हैं। उम्मीद है आपको आज की पसंद आई होगी रेसिपी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।